29 अक्टूबर रात्रि प्रातः बेला में वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, रात्रि में कितने बजकर कितने मिनट से लगेगा सूतक काल और कब होगा मोक्ष, इस विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा करते झांसी बुंदेलखंड के परम विद्वान आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ 9935-05965। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। टीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। जय श्री राधे कृष्णा। 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण के विषय पर चर्चा। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार शास्त्रों की मान्यता है कि 29 तारीख की प्रातः बेला में अर्धरात्रि में ही 1:05 से चंद्र ग्रहण का पूर्ण रूप दोष प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 2:25 पर चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा और 28 तारीख की शाम को 4:33 से इसका जो सूतक काल का समय है वह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सूतक काल के समय आप लोग हरि नाम संकीर्तन प्रभुनाम संकीर्तन ही करें। इसमें कोई भी पूजा भगवान की अर्चना या मंदिर में ना बैठें, भोजन ना करें, शयन ना करें, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण पर आप लोग विशेष ध्यान दें क्योंकि भारत में भी रहने वाला है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोप आदि देशों में भी इसका दृश्य दिखाई देगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।